गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास फोर्थ चैप्टर फर्स्ट. टुडे आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम. लेट्स स्टार्ट विथ सब्जेक्ट मैथ्स विथ एक्सरसाइज 1D. ओके, पहले हमने आपकी अदर एक्सरसाइजेस करी हैं, आज हम 1D एक्सरसाइज करेंगे, एक्सपेंडेड नोटेशन. ओके, अब हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी. देखिए 87,134, देख रहे हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. तो हमारे 10,000 प्लेस में कौन सा नंबर है, देख रहे हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. 10,000 प्लेस में हमारा 8 है तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, 8. 1,000 प्लेस में हमारा 7 है तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, 7. नाउ व्हाट इज़ इन 100 प्लेस, देयर इज़ 1, सो वी विल फिल 1. सी इन टेंस प्लेस देयर इज़ 3, सो वी हैव टू फिल हियर 3. एंड वंस प्लेस देयर इज़ 4, so we have to fill here 4. Like this we will fill it. Okay? See in all, देख रहे हैं आप, इस तरह से फिल करेंगे. Now question number second, देखिए यहाँ पे पहला वाला है हमारा 4. 4 के आगे हमारे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कौन से प्लेस का नंबर है, लेग प्लेस का नंबर है. तो हम इसमें 1 लेग से हमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के आगे हम 5 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5. अब हमारे इस प्लेस में कोई नंबर नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे. नाउ सी हियर 5, हाउ मैनी डिजिट्स आईड इट, 3. तो हम इसके आगे हम 1, 1, 2, 3, 0 से मल्टी, 1,000 प्लेस का नंबर है तो 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ सी नेक्स्ट ईयर 6. 6 कौन से प्लेस का नंबर है, 100 प्लेस का नंबर है, देख रहे हैं आप, 6 कौन से प्लेस का नंबर है, 100 का. तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. जिस प्लेस का नंबर होता है हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. 5 कौन से प्लेस का नंबर है, टेंस का, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 वंस प्लेस का है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक दिस वी हैव टू डू इट. ओके, नाउ वी हैव टू राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म देख रहे हैं, जैसे मैंने ये समझाया था बिल्कुल इसी की तरह है. 4 हमारा 10,000 प्लेस का नंबर है तो हम 4 के आगे हम कितने जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से. प्लस 1 हमारा 1,000 प्लेस में है तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1,000 से. प्लस 6 कौन से प्लेस में, 6 को हम किससे सॉरी 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. प्लस 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 1. नाउ व्हाट विल बी द आंसर, 40,000. आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, 1,600 प्लस 80 प्लस 4, लाइक दिस वी हैव टू डू. ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 7,10,692. अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए 7 के आगे कितनी डिजिट है, 5, तो हम सीधे 7 के आगे 5 जीरो लगा देंगे, देख रहे हैं, लेग प्लेस में आ गया. प्लस 1 के आगे कितनी है, 4 डिजिट, तो हम 4 जीरो लगा देंगे, 1, 1, 2, 3, 4. प्लस हमें 1 स्पेस का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप क्या करेंगे, 6 के आगे 2 जीरो लगा दिए. प्लस 90 प्लस 2, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, लाइक दिस वी हैव टू डू. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1E. अब हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग द नंबर्स, मीन्स दो नंबरों को कंपेयर करना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है. ओके, लाइक दिस. सबसे पहले कंपेयरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि दोनों जिन जिन नंबरों को हम कंपेयर कर रहे हैं वो कितने डिजिट के नंबर हैं. फर्स्ट सी हियर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 डिजिट का नंबर है, इट इज़ ऑल्सो 5 डिजिट नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, देख रहे हैं. अब हम इनके प्लेसेस को कंपेयर करेंगे. सी हियर देयर इज़ 3, देयर इज़ 3, मीन्स ये दोनों 3 हैं तो दोनों इक्वल हो गए. ये क्या है, 3 है, इट इज़ ऑल्सो 3, मीन्स बोथ आर इक्वल. नाउ इट इज़ 5, इट इज़ ऑल्सो 5, बोथ आर इक्वल. नाउ कंपेयर दिस नंबर, 100 प्लेस नंबर, इट इज़ 8 एंड इट इज़ 9, सो विच इज़ बिगर, 9 इज़ बिगर, सो दिस नंबर इज़ बिगर. ओके, तो हम इधर को साइन लगाएंगे, जो बड़ा होता है उसकी तरफ को हम क्रोकोडाइल का मुंह खुला कर देते हैं, खोल देते हैं. इट दिस नंबर इज़ बिगर. तो प्लेस टू प्लेस हम कंपेयर करेंगे, पहले 10,000 प्लेस को कंपेयर करा, फिर 1,000 प्लेस को कंपेयर करा, फिर 100 प्लेस को कंपेयर करा. सपोज़ ये भी इक्वल होते तो हम 10 प्लेस को कंपेयर करते. ओके, लाइक दिस वी हैव टू. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप ये कितने डिजिट हैं, इसमें 5 डिजिट हैं,
इस क्वेश्चन में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। तो ऑलरेडी अब हमें नंबरों को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी 6 डिजिट नंबर है तो ये अपने आप बड़ा हो गया। ओके, इट इज़ बिगर। ओके, लाइक दिस वी हैव टू डू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी डिजिट्स के नंबर हैं सारे। सी दिया, इट इज़ 4 डिजिट नंबर, इट इज़ ऑल्सो 4 डिजिट नंबर, इट इज़ 5 डिजिट नंबर, इट इज़ ऑल्सो 5 डिजिट नंबर, इट इज़ 6 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटे नंबर जो होंगे 4 डिजिट के होंगे। अब इनको कंपेयर करेंगे हम, देख रहे हैं ये 3000 है, ये 4000 है, तो 3000 इज़ स्मॉलर। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इससे बड़ा क्या 4282, फिर इससे बड़ा क्या 5 डिजिट वाले नंबर कंपेयर करेंगे, ये इट इज़ स्मॉलर, तो हम इसको लिखेंगे 15000। उसके बाद है आपका 15007 एंड बिगेस्ट नंबर इज़ 1,30,000। ओके, इट इज़ द बिगेस्ट नंबर। लाइक दिस वी हैव टू डू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑल्सो। डिसेंडिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ असेंडिंग, मीन्स आप इसी तरह से सबसे बिगेस्ट नंबर ढूंढेंगे, फिर स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, बैक काउंटिंग की तरह उसको लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, व्हाट इज़ द सक्सेसर। नाउ वी हैव टू राइट सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का हमें सक्सेसर लिखना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो हम किसी नंबर में जब हम 1 प्लस करते हैं तो उसका सक्सेसर नंबर मिल जाता है। ओके, तो हम इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा 76010। तो 76010 इट इज़ द सक्सेसर ऑफ 76009। सक्सेसर मीन्स सक्सेस हो गया, हम आगे ही तो बढ़ते हैं, तो सक्सेसर मीन्स 1 प्लस करना है और प्रीडिसेसर मीन्स 1 माइनस करना है। ओके, नाउ वी हैव टू राइट प्रीडिसेसर। हमें प्रीडिसेसर निकालना है माइनस 1 करके, 9 में से 1 गया 8, 9, 1, 6, 8। हमें प्रीडिसेसर निकालने के लिए माइनस 1 करना होगा, तो हमने माइनस 1 करा तो 68198 आ गया। ओके, इसी तरह से हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे। ओके, ऑल वी नो द काउंटिंग नंबर्स, दीज आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू रोमन नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपको अभी तक आपको हिंदू अरेबिक नंबर्स मीन्स नंबर्स पढ़े थे, अब मैं आपको बताऊंगी रोमन नंबर्स। रोमन नंबर क्या होते हैं, देखिए 1 को हम कैसे लिखते हैं, आई की तरह, 2 को हम डबल आई की तरह, 3 को हम 3 लाइन बनाएंगे ऐसे शुरू कर देंगे। ओके, 4 क्या होता है, जैसे हमने 5 लिखा, सी हियर, जैसे हम 5 लिखते हैं, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो हमारा ये 4 बन जाएगा। ओके, 5 में से 1 माइनस करा तो 4 हो गया, सॉरी ये 5 है, 5 में से 1 माइनस करा 4 हो गया, अब ये हो गया 5, 5 में 1 प्लस करा 6 हो गया, 5 में 2 हमने ऐड करा तो 7 हो गया, 5 में 3 ऐड करा तो 8 हो गया। 9 के लिए हम क्या करते हैं, x इज कॉल्ड 10, 10 में से हमने 1 माइनस करा तो हमारा आ गया 9। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी 10, अब हमें 10 लिखना है तो 10 के लिए हमारा क्या होता है, x का मीन्स होता है 10। अब हमें 11 लिखना है तो x प्लस 1, इसी तरह से जो हमारी काउंटिंग 1 से लेके पूरी आई थी 10 तक जो चली थी, इसी तरह से करेंगे 10। उसके बाद हमें 12 लिखना है, वी हैव टू राइट 12, देन 13, देन 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इसी तरह से 10 के आगे 1, 2 लगा दिया, 10 के आगे 3 लगा दिया, 10 के आगे 4 लगा दिया, 10 के आगे 5 लगा दिया, फिर 10 के आगे 6 लगा दिया, फिर 10, 7, 10, 8 and 10, 9। 9 कैसे लिखते हैं, आई एक्स, तो हो गया 19। फिर 20 के लिए देखिए, हम 20 के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं 20 लिखना है हमें, तो 20 के लिए डबल एक्स बना देंगे, क्योंकि 10 और 10 20 हो गया, ऐसे ही सॉरी 20 के लिए हम डबल एक्स बना देंगे, 30 के लिए हम ट्रिपल एक्स बना देंगे, 40 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारा 50 होता है, हम 50 को कैसे लिखते हैं, L, 50 को हम लिखते हैं L, L में से 50 में से अगर हमने 10 माइनस किया तो हमारा क्या आ जाता है 40, तो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, तो हम ऐसे लिख देते हैं 50। तो इसी तरह से आगे के नंबर्स हम करते हैं। ओके, लाइक दिस वी हैव टू डू
आप लोगों के अभी इतने ही हैं, उसके बाद मैं बाकी आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। ओके, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, बाय।